हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय माता दी। दोस्तों रांची में इस वर्ष दुर्गा पूजा पंडाल काफी भव्य और आकर्षक थीमों पर बनाया जा रहा है। रांची के कई ऐसे पूजा समितियां जो कि पहले कम बजट के दुर्गा पूजा पंडाल बनाया करती थीं, वो इस बार उभर कर आ रहे हैं और ज्यादा आकर्षक और भव्य पंडाल बना रहे हैं। कई सारे पूजा समितियों का काम लगभग 80 से 90% तक कम्प्लीट हो गया है। इस वर्ष बहुत सारी दुर्गा पूजा समिति चतुर्थी को ही दुर्गा पूजा पंडाल ओपन कर देगी। 2023 में दुर्गा पूजा की शुरुआत 15 अक्टूबर से, जिसे देखते हुए समितियां युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। तो आइए जानते हैं 2023 में रांची में बनाए जा रहे टॉप 10 दुर्गा पूजा पंडाल के थीम के बारे में। नंबर 10, बांधगाड़ी दुर्गा पूजा समिति। रांची रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित बांधगाड़ी दुर्गा पूजा समिति में इस वर्ष आपको विष्णु भगवान के सारे अवतार के दर्शन होंगे। यहां के दुर्गा पूजा पंडाल में विष्णु लोक के दर्शन होने वाले हैं। नंबर 9, ATI चौक दुर्गा पूजा पंडाल राजभवन। रांची रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित राजभवन के समीप बनने वाले दुर्गा पूजा पंडाल में इस बार आपको चंद्रयान 3 के नजारे देखने के लिए मिलेंगे। इस वर्ष यहां के दुर्गा पूजा का बजट लगभग 11 लाख रुपया है। पंडाल की ऊंचाई 50 फीट रहेगी जबकि मूर्ति की ऊंचाई 10 फीट रहेगी। नंबर 8, राजस्थान मित्र मंडल। दोस्तों रांची रेलवे स्टेशन से 3.7 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जाता है राजस्थान मित्र मंडल का दुर्गा पूजा पंडाल, जहां इस वर्ष काल्पनिक मंदिर में काजू की कलाकृति देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों इस बार यहां का पंडाल 60 फीट ऊंचा, 40 फीट चौड़ा और 70 फीट लंबा रहेगा। इस वर्ष समिति के द्वारा यहां के दुर्गा पूजा का बजट 24.5 लाख रुपया रखा गया है। नंबर 7, महाशक्ति दुर्गा पूजा समिति बुट्टी मोड़। दोस्तों रांची रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर बनता है बुट्टी मोड़ का दुर्गा पूजा पंडाल, जहां इस वर्ष काल्पनिक मंदिर का स्वरूप पूजा पंडाल के रूप में बनाया जा रहा है, जिसमें आपको स्वर्ग लोक देखने के लिए मिलेंगे। पंडाल की ऊंचाई 70 फीट और चौड़ाई 150 फीट रहेगी जबकि माता की प्रतिमा 15 फीट ऊंची रहेगी। दोस्तों यहां के दुर्गा पूजा का बजट इस वर्ष 35 लाख रुपए के करीब रहेगा। नंबर 6, गीतांजलि क्लब दुर्गा पूजा पंडाल मोराबादी। दोस्तों रांची रेलवे स्टेशन से लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी पर मोराबादी में बनता है गीतांजलि क्लब दुर्गा पूजा पंडाल, जो कि इस बार इको फ्रेंडली दुर्गा पूजा पंडाल बना रहा है। इस वर्ष यहां के दुर्गा पूजा पंडाल का बजट 21 लाख रुपए का है। पंडाल को प्राचीन मंदिर का स्वरूप दिया गया है। नंबर 5, कोकर दुर्गा पूजा समिति। दोस्तों रांची रेलवे स्टेशन से 4.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोकर दुर्गा पूजा समिति के इस वर्ष का पंडाल काफी खास है। इस बार पूजा पंडाल का निर्माण हाथी के स्वरूप में किया जा रहा है, जिसमें जब हाथी का सूंड उठेगा तो भक्त पूजा पंडाल में प्रवेश कर माता रानी के दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा हाथी का कान भी हरदम हिलते रहेगा। इस बार यहां के पूजा का बजट 18 लाख रुपए का है। पंडाल के अलावा आसपास के इलाकों में लाइटिंग और साउंड की भी जबरदस्त व्यवस्था रहती है। नंबर 4, RR स्पोर्टिंग क्लब दुर्गा पूजा पंडाल रातू रोड। दोस्तों RR स्पोर्टिंग क्लब का दुर्गा पूजा पंडाल रांची रेलवे स्टेशन से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर रातू रोड में बनता है। इस वर्ष RR स्पोर्टिंग क्लब रातू रोड की ओर से इंसान के पुनर्जन्म की यात्रा पर आधारित पंडाल का निर्माण किया गया है। पंडाल की ऊंचाई 55 फीट और लंबाई 42 फीट है। पंडाल के अंदर माँ का सिंहासन बाहुबली थीम पर आधारित है। माता दुर्गा की प्रतिमा 18 फीट ऊंची है। दोस्तों इस वर्ष यहाँ के दुर्गा पूजा का बजट 55 लाख रुपए के करीब। नंबर 3, रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा। दोस्तों रांची रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में बनाए जाने वाले रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति के पंडाल में इस वर्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया जा रहा है। इस वर्ष यहां के दुर्गा पूजा का बजट 32 लाख रुपए के करीब है। पंडाल के अंदर लकड़ी की छाल से आकर्षक कलाकृतियों का निर्माण किया जा रहा है। इस वर्ष यहां का दुर्गा पूजा पंडाल 20 फीट चौड़ा, 100 फीट लंबा और 30 फीट ऊंचा रहेगा। वहीं माता के प्रतिमा 12 फीट ऊंची रहेगी। नंबर 2, भारतीय युवक संघ बकरी बाजार। दोस्तों रांची रेलवे स्टेशन से 3.7 किलोमीटर की दूरी पर अपर बाजार में बनाया जाता है भारतीय युवक संघ बकरी बाजार का दुर्गा पूजा पंडाल, जो कि रांची के वन ऑफ द बेस्ट दुर्गा पूजा पंडालों में शामिल है।
इस वर्ष यहाँ के दुर्गा पूजा पंडाल का बजट 60 लाख रुपए के करीब है, जबकि इस वर्ष पंडाल में आपको चक्रियों में भक्तगण फंसते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, महाभारत में अभिमन्यु जैसे चक्र में फंस गए थे और वहां से निकल नहीं पाए थे, ठीक उसी तरह के चक्रव्यूह में फंसते हुए भक्तगण नजर आएंगे। लेकिन यहां पर माता रानी की विशेष कृपा से भक्त इसमें फंसने के बजाय इससे बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों, बकरी बाजार के दुर्गा पूजा पंडाल के आसपास मीना बाजार एवं मेला भी लगाया जाता है, साथ ही साथ कई सारे तोरण द्वार बनाए जाते हैं। नंबर 1, पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति पंडाल हरमू। दोस्तों, रांची रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर हरमू में बनाया जाता है पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति का पंडाल, जहां इस वर्ष अहमदाबाद के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर का भव्य प्रारूप बनाया गया है। यहां का दुर्गा पूजा पंडाल 70 फीट ऊंचा 80 फीट चौड़ा है। यहां का पट पंचमी के दिन खुलेगा। इस वर्ष यहां के दुर्गा पूजा का बजट 83 लाख रुपया का है। दोस्तों, ये दुर्गा पूजा पंडाल इस साल रांची का सबसे महंगा पंडाल होने जा रहा है, इसलिए आशा किया जा रहा है कि ये दुर्गा पूजा पंडाल रांची का टॉप दुर्गा पूजा पंडाल रहेगा। पंडाल के साथ साथ यहाँ पर माता रानी की मूर्ति भी काफी आकर्षक लाई गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको रांची के टॉप 10 दुर्गा पूजा पंडाल थीम 2023 के बारे में बताया है। तो आपको इन 10 दुर्गा पूजा पंडालों में से किस दुर्गा पूजा पंडाल का थीम सबसे शानदार लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वर्ष आप रांची के किन किन दुर्गा पूजा पंडालों में घूमने जाएंगे वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर रहेंगे हाजिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।